तो आज के हमारी इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इनके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, अब हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप पर पढ़ चुके थे कि किसी एक डेटा को स्टोर करने के लिए जो हमें चाहिए इंटीजर, लॉन्ग, डबल, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, ये हम पढ़ चुके थे। लेकिन अब बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, उसमें हम बात करेंगे एरे की। एरे भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एरे डेटा टाइप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे 10 वेरिएबल स्टोर कर 10 वैल्यू स्टोर करने हैं। सर रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। सर रिकॉर्डिंग की परमिशन मैंने दे दी है, आप स्टार्ट करें। तो यहां पे जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर 5 मान लीजिए कि वैल्यू स्टोर करना है, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा कि डिम ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ एज ए लॉन्ग, या अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ ए पे 10, बी पे 20, सी पे 30, डी पे 60 और ए बी सी डी ई ई पे 60, एफ पे 20 करना पड़ेगा। इस तरह से स्टोर करना पड़ेगा। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल। अगर हमें अब यहाँ पे क्या होता है कि मुझे कई सारे नाम खुद से सोचने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे करता हूं कि डिम डेटा एज ए लॉन्ग, और डेटा जो हमने यहां दिया इसमें ब्रैकेट में देंगे 1 2, हम दे दिया यहाँ पे 5। अब यार डेटा के बड़ा है तो आप यहाँ पे डीटी कर दीजिए, डीटी। हाँ, अब मुझे अगर वैल्यू स्टोर करना होगा तो लिखूंगा DT1 = 10, यहां पे DT2 = 20, यहां पे DT3। तो इस तरह से हम वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। तभी क्या होगा कि हमें एक ही वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक पूरी कॉलम का डेटा या बहुत सारे डेटा को एक पे स्टोर करना होता है, तो उतने वेरिएबल्स हम डिफाइन नहीं कर सकते, और अगर अलग अलग डेटा हमें चाहिए होगा उसका काम उसकी यूज जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, कि यहां मान लीजिए कि हमारे पास कॉलम में 20 डेटा है, ठीक है, एक कॉलम मान लीजिए, और मुझे इसमें से जो ग्रेटर देन 50 है उसका डेटा एफ पे स्टोर करवाना है वेरिएबल के थ्रू। इसको बगैर वेरिएबल इसका यूज किया जा सकता है, बट एग्जांपल के लिए बताता हूं। तो कितना है, 8 है। तो मैं यहां पे एक लगाता हूं सब्जेक्ट r/1 और यहां पे देता हूं कि 4 = 1 2 8। नेक्स्ट i, और यहां पे मैं देता हूं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं कि dim dt, और इसमें हमने कर दिया 1 2 8 एज ए लॉग। अब यहां पे मैं लिखूंगा DT i = यहां पे मैं रेंज ए के साथ हमने i कर दिया डॉट वैल्यू, जितनी वैल्यू है हमने यहां पे स्टोर कर दिया एक एक कर दिया। फिर यहां पर
अब यहाँ पे एक और डेटा टाइप है, वो है आपका फोर इसका फोर इंच का। ठीक है, तो फोर इंच का इसमें जो है फोर इंच आइटम का यूज करते हैं, लेकिन फोर इंच मैंने अभी आपको लूप समझाया नहीं है, फोर आई को आप थोड़ा बहुत यूज करते हैं ना सर। फोर इंच कितने को आता है? सर फोर इंच पढ़ाया आपने? सुनो, नहीं 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 सर, नहीं सर। इसलिए यहाँ पे वैल्यू आपने स्टोर कर दिया, अब सारी वैल्यू पूरी डेटा जो है आठों का आठ डेटा आपका डीटी पे स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब उस आठों डेटा को अगर मान लीजिए कि कहीं और यूज करवाना है आपको, तो फिर उसको एक तो मैं सिंपल वे होता है फोर ईच का, दूसरा हमारा होता है लोअर बाउंड और अपर बाउंड का, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है सर, तो वो सारे लूप के पार्ट होते हैं। और मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और इसमें हम जो है अपना डीटी जो एरे है उसको लिखेंगे, और टू अपर बाउंड ई बाउंड और यहां पे डीटी और नेक्स्ट आई। अब मुझे यहां पे चेक करना है, इफ आई इज ग्रेटर देन 50 देन आप जी कॉलम है ना, रेंज जी के साथ हमने जी 65,000 ऊपर से नीचे आना होगा ना सर, डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट वैल्यू इक्वल टू आई और यहां पे हमने एंड इट कर दिया। ठीक है, अब ये इफ भी हमारा अगला चैप्टर है ना सर, ये तो नहीं पढ़ाया भी आपको लोगों को मैंने? नहीं सर, इफ का कंडीशन नहीं 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 किया था। तो ये तो आगे पूरा, लेकिन मान लीजिए कुछ थोड़ा तो आउट को चाहिए, ये तो अलग एग्जांपल हो गया। अगर मान लीजिए थोड़ा आउट चाहिए पार्ट चाहिए, जैसे कि मैं दूसरा लेना चाहता हूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि रेंज जी वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, और इसमें हम डी टी और जो चाहिए पार्ट उसको डाल देते हैं, मुझे एट नंबर चाहिए, तो यहां पे हमारा एट नंबर आ जाएगा। ठीक है सर, लोअर बाउंड और अपर बाउंड समझ नहीं आया। लोअर बाउंड और अपर बाउंड नहीं आया आपको सर? नहीं सर। एक मिनट, क्या होगा
पता है देख अगर बोलेंगे तो वो मेरे चाचा को समझ नहीं आएगा, मुझे भी पता नहीं। हम अपना लोअर बाउंड अपर बाउंड मैं आपको यहां समझाता हूं क्या है। देखिए कितने पे वैल्यू लगा हुआ है, कितने पे वैल्यू लगा हुआ हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे अपर बाउंड और लोअर बाउंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या करता है कि नीचे से ऊपर, मतलब कि ये बताता है कि सबसे निचला वैल्यू और सबसे ऊपर का वैल्यू, और उसका वैल्यू अपने हिसाब से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं लोअर बाउंड, और इसके बारे में आगे मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। बस आपको तो मैं तरीका समझा रहा हूं कि तरीका क्या होता है। ठीक है सर जी। सर तो ये तो आपका था सिंगल डायमेंशन एरे, मतलब कि इसने क्या किया, ये जो एरे हमने ऊपर डिफाइन किया, इसने क्या किया कि ये आपके सिस्टम के मेमोरी में गया, और सिस्टम के मेमोरी में जाने के बाद वो एक कॉलम बनाया, और उसमें उसने 8 या जो भी 5-6 जो भी हम डालेंगे नंबर यहाँ पे 1-2 उतने इसने ये बना दिए, खाने बना दिए, और अब से DT1 कर दिया 10 तो पहले पे आएगा नंबर स्टोर करेगा, DT2 तो दूसरे पे करेगा, DT3 तो तीसरे पे करेगा, और जरूरी नहीं कि सीक्वेंस हो। हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि DT5 तो 5वें पे करेगा, DT5=50 तो 5वें में करेगा, चौथे को ब्लैंक छोड़ देगा, जो हम डालेंगे उसी का इस्तेमाल वो करेगा। समझ गए, तो आपका सिंगल डायमेंशन एरे था। उसके बाद आता है मल्टीपल डायमेंशन एरे। मल्टीपल डायमेंशन एरे क्या करता है, इस चीज को एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे पूरा का पूरा टेबल लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डीम टीवी में 1 to 100 रो हो गया हमारा, कॉमा हम लिखते 1 to 10 कॉलम हो गया एज ए लॉन्ग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपके मेमोरी में क्या करेगा कि एक टेबल क्रिएट करेगा जिसमें 100 ऑफ रो, एक से लेके आपका 100 तक रो होगा, और आपकी 10 दिया हमने तो ये अपने 10 कॉलम को क्रिएट करेगा। ये मल्टी डायमेंशन एरे होता है कि 10 रो को करेगा इस तरह से। अब मुझे वैल्यू स्टोर करनी है, तो मान लीजिए कि हमें वैल्यू स्टोर करनी है, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि टीवी, और यहां पे हो जाएगा कि भाई एक रो एंड एक कॉलम इक्वल टू 50। तो जो एक रो एक कॉलम होगा यहाँ पे, वहां पे डेटा को डाल देगा। जैसे होता है ना कि आपने यहाँ पे अगर सीट पे जैसा होता है कि एक रो मतलब कि वो एक रो एक कॉलम मतलब कि वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वैल्यू को डाल देगा। अगर हम बोलते हैं कि टीवी 20 रो और 35 कॉलम, तो 20 रो सॉरी 10 रो 10वें नंबर रो और 35वें नंबर कॉलम पे, 35वें नंबर रो और 20वें नंबर कॉलम पे जाकर रहता है। तो इस तरह से इसका यूज हम लोग करते हैं, इसका यूज खासकर हम लोग यूजर फॉर्म पे करते हैं, जो कि हम आगे क्लासेस में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो एरे की आपको जिसमें डिफाइन करना मैंने सिखाया सिंगल डायमेंशन एंड मल्टीपल डायमेंशन,
अब चलिए ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के बारे में और डिस्कस करते हैं हम। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे एक पूरा का पूरा रेंज डिफाइन करना है, रेंज को लेना है, तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा रेंज को ले सकते हैं कि मैं यहाँ पे ले देता हूं कि डिम आर एज ए रेंज। ये पूरा रेंज आर नाम का एक रेंज हो गया और मैंने बोल दिया कि सेट आर इक्वल टू रेंज ए वन से ये जो भी आपको करना है ए ट्वेंटी तक। तो अब ए वन से ए ट्वेंटी का नाम आर हो गया। जैसे आप नॉर्मल एक्सेल में डिफाइन नेम कर देते हैं, इसको सिलेक्ट किया और आपने डिफाइन यहाँ पे फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम इसका नाम आपने आर डाल दिया, तो आपसे ये पूरा एरिया आर के नाम से जाना जाएगा। उसी तरह से एक पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं और फिर उस एरिया को असाइन करते हैं। अब देखिए क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, कोई डेटा नहीं है। या यहाँ पे एक चीज फर्क समझिए कि आपका रेंज, वर्कबुक, वर्कशीट, पिवट, ये सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। चार्ट, इमेज, पिक्चर्स, आउटलुक, एमएस वर्ड, एक ऑब्जेक्ट है, किसी तरह का डेटा नहीं है। तो ऑब्जेक्ट पे हमेशा हम सेट करते हैं। अब देखिए आर पे कुछ भी करना, आर को कॉपी करना हो आर डॉट कॉपी, आर को आपको मान लीजिए कलर करना है तो बॉर्डर करना है, फॉन्ट करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो जो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड आपका रेंज होता है जिसको बार बार लिखने में दिक्कत होती है, जो डायनेमिक सिलेक्शन रे में पढ़ाया था मैंने आपको, उसका इस्तेमाल आप यहाँ भी कर सकते हैं। उसी तरह से मैं यहाँ पे डिम डब्ल्यू एज ए वर्क बुक कर देता हूं और यहां पे सेट डब्ल्यू इज एक्टिव वर्क बुक। अब मुझे वर्कबुक को सेव करना है, वर्कबुक को सेव एज करना है, क्लोज करना है, हम यहां कर सकते हैं। मुझे एक्टिव वर्कबुक या किसी पर्टिकुलर वर्कबुक नहीं लेना है, सिर्फ डब्ल्यू दे देंगे। तो वर्कबुक का नाम भी हमने इस तरह से डिफाइन कर लिया। उसी तरह से मैं यहाँ पे डिम एस एज ए हम यहाँ पे वर्कशीट कर देते हैं। अच्छा वर्कशीट नहीं होता इसमें। अब यहाँ पे एस डॉट एक्टिव को करना सेट करना पड़ेगा ना पहले, सेट इक्वल टू सेट एस इक्वल टू हमने बोल दिया सीट्स आई नहीं मैं फाइव कर, तो पांचवें नंबर सीट होगा। अब सीट को मुझे एक्टिव करना है, नेम देना है, मूव देना, मूव करना है, कॉपी करना है, मैं कर सकता। तो आप बड़े बड़े नेम को इस तरह शॉर्ट कर सकते हैं, उस शॉर्ट उसका इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको ऐसे आपने रेंज को कर लिया, आपने वर्कबुक को कर लिया और आपने इस तरह से वर्कशीट को कर लिया। उसके बाद आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही नहीं, मतलब सिर्फ एक्सेल का ऑब्जेक्ट ही नहीं, अलग अलग ऑब्जेक्ट भी ला सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूं कि डिम एसी एज ए, अब एक्सेस एप्लीकेशन नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहां आउटलुक नहीं आ रहा है, आउटलुक भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि आउटलुक एप्लीकेशन हमने ऊपर में जाकर सेट नहीं किया था। टूल्स में रेफरेंसेस पे जाके हमें यहाँ पे लेना पड़ता है लाइब्रेरी, जैसे मिस ऑफिस लाइब्रेरी है ना, ऐसा आपको आउटलुक लाइब्रेरी या एक्सेस की लाइब्रेरी लेके आना पड़ता है। ये आपका वी कंट्रोल ये आपका ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी था, इसको सिलेक्ट किया देन ओके। अब मैं यहां पे लिखता हूं डिम एज ए डब्ल्यू सॉरी आउटलुक आउटलाइन हो गया सॉरी आई आउटलुक आउटलुक डॉट एप्लीकेशन सेट मेल वगैरह जो भी है वो आगे बताऊंगा। इस तरह से आप कर सकते हैं या भी तो बार बार आपको टूल्स में ऐड करना पड़ेगा या फिर हम लोग क्या करते हैं कि डिम आउट एज ए आउट ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहां पे हम देते हैं कि आउट यहां पे सॉरी देते हैं सेट आउट इक्वल टू
क्रिएट ऑब्जेक्ट, और यहां पे हमारा आ जाता है आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। ठीक है सर, तो इसमें इसको इन्वर्ट कर देना पड़ता है, ये हमारा आउटलुक एप्लीकेशन हो गया। उस तरह से हम मेल वगैरह खोलना है तो डिम, ये तो एप्लीकेशन हुआ, हम यहां पे मेल करता हूं एज ए ऑब्जेक्ट, और मैं यहां पे कर देता हूं कि सेट मेल इक्वल टू आउट डॉट क्रिएट आइटम, ये आपका मेल क्रिएट हो गया। इसके बारे में भी आपको आगे पढ़ाऊंगा कि इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ आप अपना ऑब्जेक्ट ही नहीं, पर्टिकुलर एक काम को भी कर सकते हो। जैसे मैंने कर दिया कि सेट न्यू शीट इक्वल टू शीट्स डॉट एड, और यहां पे दे देंगे कि यहां पे दे देंगे विथ एनएस न्यू शीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा डॉट मूव शीट्स शीट्स डॉट काउंट, जो भी सीट पे करना चाहते हैं डॉट कलर डॉट वगैरह जो भी करना चाहते हैं कर दीजिए, फिर एड भी कर। तो क्या होगा कि आपकी जो सीट ऐड होगी और डेटा नाम सीट होगी और सबसे लास्ट में मूव होगी, इस तरह जो भी सीट पे करना चाहते हो आप कर सकते हैं। सेम उस तरह से मान लीजिए मुझे एक फाइल क्रिएट करना है कि डब्ल्यू न्यू वर्कबुक इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्क, कोई भी वर्क, ये तो मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं कि आप कोई भी अपने वर्क को साइन कर सकते हैं। और यहां दे दीजिए कि विथ न्यू वर्कबुक डॉट सेव एज, यहां पे पाथ, ये चीजें आप आसानी से दे सकते हैं, बहुत टाइटल वगैरह बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पट्टी सब मेंटेन करके आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हेलो सॉरी सही, क्लियर इसमें डाउट सर? No, sir. तो सर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल से हमारा जो है कंडीशंस एंड लूप स्टार्ट होगा। ठीक है।